हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही बढ़िया सा डिज़र्ट बना रहे हैं, फेनी मस्तानी। ये हमने इसके लिए बारीक वाली सेवैयाँ ली है। हम आज ये सेवई की फेनी मस्तानी बना रहे हैं, जिसमें आज हम दूध नहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ है वो बहुत ही बढ़िया और एक बहुत सुंदर रेसिपी हमको मिलने वाली है। तो चलिए, इसके क्या इंग्रेडिएंट है हम देख लेते हैं। हमने ये बारीक वाली सेवैयाँ ली है, देखिए, ये प्योर घी, शुगर, मिल्क पाउडर और ये ड्राई फ्रूट्स लिए हमने, काजू, बादाम, पिस्ता और हरी इलायची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। हमने ये नॉनस्टिक पैन ले लिया है, इसमें हम घी ऐड कर देंगे। अब इसमें हमको हमारी फेनी को भूनना है। वैसे तो ये जो फेनी है ये ऑलरेडी घी में तली हुई होती है, बट हम फिर से एक बार इसको अच्छे से भून लेते हैं, हल्का सा पिंकिश ब्राउन कर लेंगे इसको भून कर। आज हम पानी का यूज़ करेंगे इसके लिए। धीरे धीरे इसको मध्यम आंच पे एकदम भून लेते हैं। हमारी सेवैयाँ हल्की सी पिंकिश ब्राउन हो गई है, देखिए। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये बहुत डेलिकेट होती है, वैसे जल्दी पक जाएगी, बस थोड़ा सा हमको पानी डाल के इसको पका लेना है। यहीं पर हम मिल्क पाउडर भी ऐड कर देते हैं और शुगर। मिल्क पाउडर में ऑलरेडी शुगर होती है, इसलिए हम थोड़ा सा कम शुगर डाल रहे हैं और इसको अच्छा सा 5 मिनट हम पकने देंगे। हमने आज दूध की जगह मिल्क पाउडर यूज़ किया है, इसकी भी बहुत बढ़िया टेस्ट आएगी। हमारी फेनी काफ़ी अच्छी ड्राई हो गई है, इसमें ड्राई फ्रूट्स अब ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा ऊपर से हम घी स्प्रेड कर देंगे और बस ये रेडी है। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देते हैं और हमारी फेनी मस्तानी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। अब हमारी फेनी मस्तानी एकदम रेडी है, देखिए कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। लग रही है ना ब्यूटीफुल, एकदम मस्तानी की तरह। तो चलिए आप भी बनाइए फेनी मस्तानी और एंजॉय करिए ये डिज़र्ट। और कैसा बना है आपका ये बढ़िया सा रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।